हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी क्लास थर्ड की सोशल साइंस की बुक। इसका फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था। टुडे आई विल टीच यू थर्ड चैप्टर, चैप्टर थर्ड, आवर अर्थ ए यूनिक प्लैनेट। ठीक है, ये हमारा सेकंड था, ये है हमारा थर्ड चैप्टर नोविंग आवर अर्थ। आज हम क्या जानेंगे, अर्थ के बारे में जानेंगे कि हमारी अर्थ कैसी है, किस तरीके से, क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में जानेंगे अर्थ के। चलिए, फर्स्ट है ग्लोब एंड मैप। द अर्थ, ग्लोब और मैप के बारे में। द अर्थ इज़ वेरी बिग इन साइज़। जो अर्थ हमारी होती है, क्या होती है, साइज़ में बहुत बिग होती है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द इंटायर अर्थ एट वन टाइम। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम अर्थ को एक बार में पूरे अर्थ को पूरे एक टाइम में ही देख सकें। देयर फॉर टू स्टडी द अर्थ वी नीड टू मेक ए मॉडल ऑफ द अर्थ। तो जब हम स्टडी अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें एक मॉडल की ज़रूरत होगी। ए ग्लोब इज़ ए मॉडल ऑफ द अर्थ। जो हमारा ग्लोब होता है, आपने ग्लोब देखा होगा, ये है आपका ग्लोब। ग्लोब जो आपका होता है वो अर्थ का मॉडल होता है। इट इज़ राउंड इन शेप। और ये क्या होता है, शेप में क्या होता है, राउंड होता है। इट कैन बी रोटेटेड टू शो डिफरेंट प्लेसेस आर वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। और इसको जब आप रोटेट करेंगे तो इसके डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को और वाटर बॉडीज़ को अर्थ के आप इस पर देख सकते हैं, ऑन द अर्थ, अर्थ पर आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पर कौन सा प्लेस है और वाटर जो बॉडीज़ हैं वो कहाँ पर चीज़ें मतलब हैं, इसमें बताया गया है। फिर आपका है लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब्स। ग्लोब शो ओनली हाफ ऑफ द, क्या मतलब लिमिटेशंस हैं ग्लोब की, क्या क्या लिमिट करता है। ग्लोब शो ओनली हाफ ऑफ द अर्थ एट ए टाइम। जो हमारा ग्लोब्स होता है, सिर्फ एक बार में आज मतलब अर्थ के सिर्फ हाफ पार्ट को, मतलब आधे पार्ट को ही दिखा सकता है। दे डू नॉट शो द डिटेल्स ऑफ द प्लेसेस। और ये हमारी क्या करता है, प्लेसेस के डिटेल्स को बता नहीं सकता, दिखा नहीं सकता। दे आर नॉट ईजी टू कैरी एवरीवेयर। इसको मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पर मतलब सारी जगह पर ले जाना आसान नहीं होता है। मैप्स आर ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस। दे कैन शो अस द इंटायर अर्थ एट ए ग्लांस। मैप, जो हमारा मैप होता है, उसको मैप को हम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं, जो अर्थ के फिगर को हम ड्रा कर देते हैं एक सरफेस पे, एक पेज जो हमारा होता है, उसके बाद उससे हम जो हमारी पूरी अर्थ होती है उसको हमें ग्लांस के रूप में देख सकते हैं। मैप दैट कैन बी हंग ऑन द वॉल आर कॉल्ड वॉल मैप। अगर हम जो मैप हमारे होते हैं उनको हम दीवार पर टांग दें तो उनको हम क्या कहेंगे, मैप वॉल कहेंगे। ठीक है, वॉल मैप। फर्स्ट ए बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एन अटलास। जो हमारा बुक होता है मैप का, उसको हम क्या कहते हैं, अटलास कहते हैं। ग्लोब्स एंड मैप्स हेल्प अस टू स्टडी द अर्थ। और जो हमारे ग्लोब्स होते हैं, मैप्स होते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं स्टडी करने में, किसके, अर्थ की स्टडी हम किस तरीके से करें, वो हमारी बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प करते हैं कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है, कौन सी रिवर कहाँ पर है, इस सब तरीके से वो हमारी हेल्प करते रहते हैं। फर्स्ट आपका, फिर आता है आपका डायरेक्शन एंड कंपास। तो डायरेक्शन और कंपास के बारे में जानते हैं। टू स्टडी आर लोकेट ए प्लेस ऑन द मैप वी नीड टू नो द डायरेक्शन। जो स्टडी हम करेंगे मैप पर की लोकेशन जानने के लिए प्लेस की, तो उसके लिए वी नीड टू नो द डायरेक्शन, इस तरीके से हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होगी, डायरेक्शन जानने की। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड साउथ आर द फोर मेन डायरेक्शन। तो पहले आपको डायरेक्शन के बारे में जानना होगा। तो पहले डायरेक्शन हम जानते हैं कि जो हमारे डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ होते हैं, फोर डायरेक्शंस आपके मेन होते हैं। द टॉप ऑफ द मैप पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ। जो हमारा टॉप पार्ट होता है, उसका सबसे मेन पार्ट होता है मैप का, वो ऊपर का जो होता है वो नॉर्थ होता है। बॉटम में आपका, नीचे के साइड में आपका साउथ होता है। टू द राइट लाइज ईस्ट एंड वेस्ट लाइज ऑन द लेफ्ट। और जो हमारे दाहिने लेफ्ट साइड में जो आपका होता है, राइट साइड में ईस्ट होता है और वेस्ट, लेफ्ट साइड में आपका वेस्ट होता है।
तो अब पहले हमने जाना कि जो हमारा सबसे टॉप में जो होता है वो आपका नॉर्थ में होता है, बॉटम में आपका साउथ होता है, लेफ्ट में आपका, राइट में आपका ईस्ट होता है और लेफ्ट में आपका वेस्ट होता है। इस तरीके से पहले आप जानेंगे कि मेन डायरेक्शन क्या क्या होते हैं। तो मेन डायरेक्शन हमारे होते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये कंपास इस तरीके से आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है। डायरेक्शन हेल्प अस टू फाइंड द लोकेशन ऑफ ए प्लेस। जो हमारी डायरेक्शन होती है उससे हम आसानी से एक लोकेशन, किसी प्लेस की लोकेशन को जान सकते हैं। वी कैन आल्सो फाइंड द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ ए कंपास। और अगर हमको डायरेक्शन जाननी हो, जानना चाहते हैं, है उससे हेल्प, एक कंपास जो हमारा कंपास होता है उससे हम हेल्प ले सकते हैं, हेल्प मिल सकती है उससे। इट हैज़ ए नीडल दैट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। और एक ये इसकी निडल जो होती है, इसके बाद जो निडल होते हैं, एक जो निडल उसकी हमेशा क्या करती है, टूवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होती है। दिस हेल्प टू फाइंड द अदर डायरेक्शन एज वेल। और ये हमें क्या करती है, हमारी हेल्प करती है दूसरी डायरेक्शन को भी अच्छे से जानने में। सेलर्स, नेविगेटर एंड शोल्डर यूज़ ए कंपास टू फाइंड द डायरेक्शन इन द सी एंड फॉरेस्ट। जो हमारे सेलर्स होते हैं, नेविगेटर्स होते हैं, सोल्डर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक कंपास का यूज़ करते हैं कि अगर वो कहीं समुद्र में गए हों या फॉरेस्ट में किसी, तो वो आसानी से डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं अगर उनके पास कंपास हो। देन वी ऑब्जर्व ए ग्लोब और ए मैप, वी सी दीज थिंग्स एज वेल। अगर हमारे पास क्या हो, ग्लोब हो या मैप हो, तो इन सारी चीज़ों को हम आसानी से जान सकते हैं। कॉन्टिनेंट्स, ए वेरी लार्ज मैप ऑफ लैंड इज कॉल्ड ए कॉन्टिनेंट। जो हमारे बहुत बड़े मैप होते हैं लैंड पर, हमारा लार्ज मास ऑफ लैंड, मतलब जो हमारे मास होते हैं लैंड के, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका आर द 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो आपको अगर कोई पूछे कॉन्टिनेंट कितने होते हैं, तो आप बता सकते हैं कॉन्टिनेंट हमारे कितने होते हैं, 7 होते हैं। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। तो अगर आपको पूछे सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा, तो आप बता सकते हैं कि लार्जेस्ट जो हमारा कॉन्टिनेंट होता है वो एशिया होता है, और स्मॉलेस्ट जो हमारा होता है वो क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है। फिर हमारा आता है ओशियन। ओशियन के बारे में आप जानेंगे, ओशियंस आर लार्ज वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। जो ओशियन होता है वो सबसे हमारा लार्ज बॉडीज होता है, कहाँ पर, अर्थ पर सबसे लार्ज बॉडी होता है। देयर आर 4 ओशियन इन द वर्ल्ड, मतलब जो आपके वर्ल्ड में कितने ओशियन हैं, 4 ओशियन हैं। फर्स्ट आपका पैसिफिक ओशियन, सेकेंड आपका अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड अंटार्कटिक ओशियन। ठीक है, इस तरीके से आपके 4 ओशियंस हुए। द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। मतलब आपको अगर कोई पूछे सबसे डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट ओशियन कौन सा, तो आप बता सकते हैं पैसिफिक ओशियन हमारा सबसे लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन है वर्ल्ड में। वेयर एज द अंटार्कटिक ओशियन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन। जो हमारा अंटार्कटिक ओशियन होता है वो सबसे हमारा स्मॉलेस्ट ओशियन होता है। तो अब हम जानते हैं, फिर आपका आता है सीज आर लार्ज साल्टी वाटर बॉडीज बट स्मॉलर देन ओशियन। जो हमारे समुद्र होते हैं, सीज होते हैं, वो क्या होते हैं, बड़े लार्ज वाटर बॉडीज़ होते हैं, लेकिन हमारे जो ओशियन होते हैं उनसे बट स्मॉलर देन ओशियन, ओशियन से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। लैंड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर मैनी डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ। मतलब जो हमारे अर्थ पर बहुत तरीके की लैंड फॉर्म्स हैं। सम आर फ्लैट, सम लाइज लो वाइल, सम आर रेस्ट। मतलब कुछ ऐसी हैं रफ हैं, कुछ फ्लैट हैं, कुछ जो आपके रेस्ट हैं। तो इस तरीके से कि आपकी लैंड फॉर्म्स हैं। माउंटेंस, प्लेन्स, प्लाट्यूज, डिजर्ट्स एंड वैलीज एंड डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ। मतलब ये हमारे लैंड माउंटेन हुआ, प्लेन्स हुआ, डिजर्ट हुआ और वैलीज हुए, ये सारी हमारी अर्थ पर क्या है, डिफरेंट तरीके की लैंड फॉर्म्स है।
तो आई होप कि ये चैप्टर आपको पसंद आए। ये चैप्टर यहीं पे क्लोज़ होता है। आप इसमें जानेंगे, आपने आपको पढ़ाया गया ग्लोब्स के बारे में, मैप्स के बारे में और कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ओशियन के बारे में आप पढ़ा, लैंडफॉर्म के बारे में आपने पढ़ा। तो जो टॉपिक आपको अच्छा लगा हो आप कमेंट में लिखे कि ये टॉपिक हमको समझ में आया, और जो टॉपिक नहीं आपको समझ में आया वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या टॉपिक था इसमें जो आपको समझ में नहीं आया।